सारे बच्चे रिकॉर्डिंग वॉइस अगेन राइट है ना बच्चों? यस सर। अब देखो बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं एंड अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक क्या होगा, आज का बेसिक क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल से करेंगे। मतलब कि जो भी आपका आप बोलोगे, जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं आफ्टर एटॉमिक नंबर 100 जितने ज़्यादा होगा, हम उनका बेसिक उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नेम्स के बारे में पढ़ाई कैसे होता है। सेकंड चीज़ क्या रही है, हम एटॉमिक रेडियस या रेडिया के बारे में पढ़ेंगे, वो भी टॉपिक होगा। एंड वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड्स आ रहे, जैसे अभी कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि एग्जाम में ट्रेंड क्या आ रहा है, ठीक है ना? अब हम बहुत अच्छे पेस में चल रहे हैं तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके? याद स्टार्ट करते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, राइट? है ना ये क्वेश्चन? ये हमने कल कर लिया था। अब देखो, ये आपका जो कल का पेपर था, जो फेब्रुअरी 1 था, इससे भी कुछ क्वेश्चन है। आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, दिख रहा है ये वाला? अब देखो बच्चों, आप देखोगे क्या बोला है आपके क्वेश्चन में। हम बेसिकली ना कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, आप फिर ट्रेंड को एनालाइज करो, ट्रेंड कैसा आ रहा है। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोला है, ये आपका इतना एनर्जी आपका, और पूछा आपका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी पोटो पे के बराबर होगा, तो आपका वैल्यू ऑफ एन निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ एन निकालना है। तो ये क्वेश्चन क्या इजी क्या हार्ड है बच्चों? क्या बोला? देखो एनर्जी बोला ना, सर। एनर्जी बोला है। अब देखो, अगर आपका एनर्जी बोला तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी के लिए? अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो जिससे आपका आंसर 4, जिससे आंसर 4 है, किसका एन क्या वैल्यू, अगर आपको एन क्या वैल्यू निकालना है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। देखो क्या बोला आपके, हाँ वो तो है, वो तो ये होगा, आपने ये देखा था ना, दैट एनर्जी वाला बोर से और बोर ऑर्बिट वाला, याद है एनर्जी वाला? वहां यस पर हमने क्या था, डेल्टा क्या देखा था, डेल्टा कुछ कुछ वेल्थ मतलब माइनस क्या था आपका, बोलोगे 2 पॉइंट, ये आपका जूल में, ये आपका जूल में था, ब्रैकेट में आपका 1/N1² -1/N2² है ना, ये क्या था हमने, है कि नहीं, ये फॉर्मूला था। यस तो ये फॉर्मूला को यूज करके आपको आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। क्या बोला यहाँ पे, ग्राउंड शीट के बाद क्या बोला है, ग्राउंड शीट बोला है, तो N1 क्या होगा, 1 होगा, N2 2 हो जाएगा, तो इस सबको कुछ वैल्यू करके इसको आपको यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसी पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए होगा प्रैक्टिस। अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलने लगेगा कि हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी वाला यूज कर रखा होगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे नो, है कि नहीं? यस अब देखो हमने क्या देखा था, सर। हमने ये देखा था, हमने क्या देखा था, अगर हम क्या करते, देखो बोर्स, ये भी आपका बोर्स का पॉजिटिव है, हमने क्या देखा था, जो आपका एनर्जी क्या होगा, आपका डिफरेंस क्या होगा, आपका फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्म में देखा था। अगर हम क्या करेंगे, डेल्टा लिखा क्या होगा, आप बोलोगे NHc/λ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे Z² आ जाएगा, ब्रैकेट में 1/N1² -N2² होगा बच्चों, जैसे नहीं, जैसे नो, जैसे नो, यस है ना? तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो ये भी आप ट्राई करना, ठीक है? ये आप ट्राई करना कि हम किस वे में करेंगे। अभी हम आंसर नहीं सर। करेंगे, हम यहाँ पे आंसर नहीं करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आपका सेकंड चैप्टर का था, ये आपका सेकंड चैप्टर का था, तो जहां से पढ़ा वहीं से क्वेश्चन आया। अब देखो ये क्वेश्चन, ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या लिखा था, देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन डैश, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसको डिपेंड करता है? देखो सिंपल, आपका टेम्परेचर टेम्परेचर को डिपेंड करता है। क्यों? हमने ये देखा था जो फॉर्मूला था, जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है राइट, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टी के बराबर होगा, है ना? टी के बराबर होगा, यस या नो? अच्छा, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हमने ये देखा था, दैट इज अंडर रूट, है ना? कुछ फॉर्मूला था कि नहीं था, बोलो क्या फॉर्मूला था अंडर रूट?
टू पाई बाई एम, है ना? याद आ रहा है कुछ क्वेश्चंस? याद आ रहा है फॉर्मूला? हेलो बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना, हमने देखा था कौन सा, एक हमने आरएमएस देखा था, एक हमने एवरेज करंट रेंज निकाला था, सॉरी एवरेज स्पीड निकाला था, एवरेज स्पीड के बारे में, एक हमने क्या निकाला था आपका, मोस्ट पावर स्पीड के बारे में। मोस्ट ये तो स्पीड वाला था, ये देखो ये आपका एनर्जी बोला है, तो क्या होगा, ये आपके टेम्परेचर डिपेंड करता है। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड बाय कैथोड रेस इन द सिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला यहाँ पे, डी ब्रॉगली वेन बोलगा, फॉर्मूला क्या था डब्ल्यू का, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम वी होगा, ये फॉर्मूला यस होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। सर। तो अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो द कैथोड रे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू, ओके ये भी क्या बोला, ये सही है, द करंट इज डिपेंड अपॉन द मेटल ऑफ कैथोड यूज, क्या बोला, करंट इन कैट, हां करंट सेट में बोला है, द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द गैस फिल्ड नेचर कैथोड टू, नहीं गलत है, होता है बच्चों ऐसा होता है, हेलो देखो होती है है ना, वो आपका गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्या मेटल, क्या वो मेटल को डिपेंड करता है, ये भी नहीं नो करता, ये भी नहीं करता। अब देखो अभी हमें ये पता है, हमें ये पता है जो कैथोड आपका कैथोड से एनोड तक जाएगा, तो बच्चों क्या बोला, करंट बोला है, हमें पता है ये क्या होगा, ये आपको ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं, तो ये आपको हम स्मार्ट वर्क यूज कर सकते, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझ रहे हो ना बच्चों, है कि नहीं। सर। देखो यहाँ पे सॉल्व भी सर किया, देखो यहाँ पे सॉल्व भी किया है, जब सॉल्व करते क्या आंसर आता है आपका, आता है इतना इतना आपका आंसर आ रहा है, तो वो तो है ही नहीं आंसर, तो वहां पे एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना वहां पे ना। देखो ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट दिया ना, ये बच्चे लोगों का टाइम वेस्ट करने बताया, बच्चे के साथ टाइम वेस्ट करेंगे, वो फॉर्म यूज करेंगे, डाउट होगा वो करने, वो नहीं करना है आपको, क्या तो है नहीं, तो कैसे करोगे, तो जो आपको सही लगेगा वो आपको आपको पता करना है। क्या बच्चों ये क्वेश्चन हार्ड था, बताओ, नो सर, इजी। ये देखो नो सर। ये आपका जेडब्ल्यू कल के पेपर में, हाँ देखो, और एक एक पेपर में आपका सेम चैप्टर में से दो क्वेश्चन है, कौन सा, ये भी सेकंड चैप्टर का है और ये भी सेकंड चैप्टर का है, देखो दो क्वेश्चन पूछा, एक फिफ्थ चैप्टर से पूछा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन, देखो ये वाला, ये भी आपका कल का एग्जाम का ही, ये भी कल का एग्जाम का है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपका फर्स्ट चैप्टर, आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आंसर सेवन आएगा। देखो यहाँ पे आपका डेंसिटी पूछा है और आपका मोलारिटी पूछा, मोलारिटी बोला है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पता है कौन सा, ये आपका एनसीईआरटी का, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपका आई थिंक 3 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी का, जो लास्ट एग्जाम्पल है, याद है बच्चों एनसीईआरटी लास्ट एग्जाम, उस क्वेश्चन पे बेस्ड है, उस क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बोला, डेंसिटी बोला है, कितना बोला है, 3 मोलर, ध्यान दे बच्चों, नोट कर लो, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बच्चा हार्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हार्ड है ना। देखो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ट्रस्ट करो, जो पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा, जेडब्ल्यू क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा और आपको प्रॉपर आंसर भी आएगा, बस ध्यान रखना क्या, प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि ना एंट्रेंस में प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब देखो कोई बच्चा अगर नहीं पता होगा तो वो तो ये, अगर प्रॉपर्टीज थी पता होगा कैथोड रेस, तो वो तो आपका ये तो करता रहेगा, वो तो गलत हो जाएगा फिर, तो है कि नहीं, तो आपका आंसर बी इज द राइट आंसर रहेगा, समझो ना। ओके ये आपका कल का पेपर था। अब देखो हाँ आते हैं बेटा, आते हैं आते हैं, देखो ये आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 31 जैन का क्वेश्चन, ये आपका 31 जैन का है, कौन सा, देखो क्या बोला, क्या बोला है, इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना एटॉमिक एटॉमिक एटॉमिक, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपका थर्ड चैप्टर क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। ये देखो ये क्या आपका सबसे पहले आपको चेक करना है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीस है तो बच्चे बताओ, जो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, आइसोलेट्रिक मतलब बोलो बच्चों, सेम नंबर सेम इलेक्ट्रॉन, होते हैं, सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जिसका आपका सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स होगा आपको वहां पे फॉर्मूला यूज करना है। ये हम थोड़ी देर अभी पढ़ने वाले हैं, ये अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका थर्ड चैप्टर पूछा है, क्या क्वेश्चन हार्ड था, नहीं था। अगेन देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एमिट्स द सेम वेवलेंथ फॉर
एन इक्वल टू फोर टू एन इक्वल टू फोर हीलियम आयन। तो हीलियम आयन के लिए क्या सेम होगा? हाँ ये मैं मानता हूँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूम, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक है आपका, यहाँ पे ट्रिक है, आप अगर ट्रिक को यूज करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हीलियम आयन, तो हीलियम का एटोमिक क्या होता है आपका, टू होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का वन होता है। यस नो बच्चों, यस नो? यस अब देखो क्या करेंगे सिंपल, सर। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, रिवर्स यहाँ पे आ रहे हैं, देखो रिवर्स इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पे रिवर्स इक्वेशन देखो, जेड क्या ये आपका हीलियम के लिए क्या होगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन के लिए आपके लिए वन का स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। देखो किसका सेम आ रहा है, वो ना, अगर आपका क्या, अगर आपका हीलियम के लिए दो और चार के लोगे तो हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन के लिए आपका वन और फोर का होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी वन और टू का होगा, किसका आपका वन और टू का होगा, तो ये आपका आंसर है। अगेन बच्चों क्वेश्चन हार्ड था, सारे बच्चे अगेन, सर नो आपका सर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली मुझे बता सकते हो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन उसी ट्रेंड में मिलेगा, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, आज से पता चल जाना चाहिए, हमने तो और चैप्टर खत्म कर दिया, आपको अभी से पता चल जाना चाहिए। नहीं यार, अगर मुझे सेकंड चैप्टर पढ़ना है, एंट्रेंस से पढ़ना है, तो मुझे ये तीन चार अच्छे से पढ़ना, कौन सा, हाइड्रो स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली, आपका हाइजेनबर्ग, आपका क्वांटम नंबर, और आपका क्या बोलते हैं आपका ये, बोलो बच्चों कौन सा, भूल बोस बोल बोल, आपको पता होना चाहिए, अगर इतना आ गया तो बस डन है फिर आपका, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन यहाँ से दो, क्या क्वेश्चन हार्ड है बच्चों? देखो इतना क्वेश्चन किया आपने, इतना क्वेश्चन किया, देखो चार, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। अब देखो कट ऑफ की बात करो ना, अगर आपका 70 से 80 मार्क दिया ना, तो समझ जाना इतना मार्क गया तो आपको समझ जाना ये आपका 90+, ये आपका 90+ परसेंट बना देगा, 70 80 मार्क्स में आपका 90+ 90+ परसेंट आ जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। अगर आपका 100 पार चला गया ना, तो आपका 95+ परसेंट आएगा, गारंटी आएगा, मैं गारंटी लिखे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, आप तो समझो कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। देखो स्टार्टिंग से अभी तक पूरा पढ़ रहे हैं, देखो आप स्कूल ही पढ़ रहे हो, आप हर जगह पढ़ रहे हो, फर्क क्या आ रहा है, आपको एक मेंटर मिला, आपको एक मेंटर मिला जो आपको प्रॉपर्ली बता पा रहा है कि ये पढ़ना है इसको छोड़ना है, तो उसका एडवांटेज लो, है ना बच्चों? समझ रहे हो? डन? सर यस सर। ओके देखो आगे देखते हैं, ये देखो ये भी आपका, ये आपका कल का पेपर है, क्या क्वेश्चन हार्ड, देखो क्या क्वेश्चन हार्ड है, देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर शेल, क्या ये कहाँ पे देखा था, ये हमने एग्जाम्पलर, ये हमने एग्जाम्पलर में किया था, कैसे ना बच्चों, है कि नहीं? देखो यस सर। अब कितना आंसर आएगा, ऑब्वियसली 32, कितना आएगा 32 आंसर आएगा, क्या सिक्स क्वेश्चन हार्ड है टू ये आपका, एंड ये खत्म हो गया, खत्म हो गया आंसर भाई, खत्म हो गया आंसर, मतलब कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, और ये आपका आई थिंक, ये आई थिंक 30 या 31 का, मुझे याद नहीं कौन सा दिन का है, लेकिन उसी दिन का है। ये भी देखो ये भी आपका कौन सा है, ये भी आपका सेकंड चैप्टर का है, ये भी आपका सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यस आई थिंक इतने क्वेश्चन था, ओके यस आई थिंक इतने क्वेश्चन था, और कुछ बचा क्या, नहीं इतना क्वेश्चन था। देख रहे बच्चों, तो अभी अब तो सिंपल सी बात है, अभी आपको सिंपल सी बात है, अभी आपने कौन मुझे बोलेगा आपने क्या समझा, आपने ये समझा होगा कि ट्रेंड क्या है, अगर जो ट्रेंड है उसी पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा घुमा फिरा आएगा, इसमें ये पूछेंगे, इसमें वो पूछेंगे, इसमें ये पूछेंगे, उसमें ये पूछ लेंगे, आपको उतना ध्यान रखना है, अगर आप उतना, अगर आपने उतना भी कर लिया तो मैं डैम से बोल रहा हूँ आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, समझ गए बच्चों? डन? यस यस सर सर। ओके तो यस, तो इतना मुझे आपको बताना था, ये आपका लास्ट 2 दिन, ये आपका 30 30 31 एंड 1 जनवरी का क्वेश्चन पेपर था, और भी आना पेपर आना बाकी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ओके तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले के बारे में, नॉमिनेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, तो इसमें से क्या देखो, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये भी काफी सिंपल है, ये भी आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो इसलिए क्योंकि देखो ये आपका एंट्रेंस है, देखो ये आपका ऑलरेडी एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, इसमें 2019 में, इसलिए मैं वो करा रहा हूँ, तो मैं आपको वही चीज करा रहा हूँ जो आपका एग्जाम इम्पोर्टेंट है, समझ गए बच्चा? डन? यस डन सर। बच्चों? ओके बहुत बढ़िया। अब देखो ये हम देखते हैं ये वाला पार्ट, अब देखो तो जब भी आपको, तो जब आपने ऑल्ड आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच, हाँ लेकिन
देखो जब भी आपको नंबर से लिखना किसके बारे में, एटम में 100 के बारे में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। देखो ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था? हुआ ये, जब आपका साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, जब एलिमेंट से खोज कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि हर देश में जो हर देश में साइंटिस्ट काम करते थे, तो हर जब जो डिस्कवर हो उसको अपना नाम दे देते थे। कि अगर रशिया में तो रशिया में स्टार्ट किया तो रशियन साइंटिस्ट नाम दे देंगे, अमेरिका में तो क्या अमेरिकन साइंटिस्ट नाम देंगे। तो सबका क्या होगा, सबका अलग अलग काम चाहता। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, आपका आईयूपीएसी, आपका आईयूपीएसी क्या किया, उससे बोला मैं एक नंबर मैसेज दे दूंगा, आप ये करो उस नंबर मैसेज को, आईयूपीएसी नंबर मैसेज को क्या करो, उसको देखो, नोटिस करो, और जो भी आपका एलिमेंट डिस्कवर होगा, किससे एटम, जिसका एटम 100 के ऊपर होगा, हाइवर मास होगा, हम उसका निकालेंगे, हम उसका वैल्यू निकालेंगे। सच पर बच्चों देखो, अब सिंपल से पता, आपको ये अब्रिवेशन याद करना पड़ेगा, आपको ये वाला पार्ट याद करना पड़ेगा, क्यों, ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो बच्चों, नाम कैसे, बच्चों देखो क्या बोला आपको, जीरो, अगर जीरो तो क्या उसमें क्या बोलेंगे, जीरो को तो क्या बोलेंगे बच्चों, उसका बोले नील, उसको नील बोलेंगे। वन को वन बोलेंगे, टू को बाई बोलेंगे, थ्री को ट्राई बोलेंगे, फोर को क्वाड बोलेंगे। बेसिकली आपको वन से फोर्थ आपको पता होना चाहिए, और आपका लास्ट दैट नाइन्थ वाला पता होना चाहिए। क्यों, थोड़ा अलग है, क्योंकि इन, ये आपका इन वाला पार्ट है। ओके तो जीरो क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो को नील बोलेंगे, उसका साइन क्या होगा, स्मॉल एन। वन का उन बोलेंगे, साइन यू होगा। टू को बाई बोलेंगे, साइन क्या होगा, बी होगा। और थ्री को ट्राई बोलेंगे, जो टी होगा। और फोर को क्वाड बोलेंगे, क्या होगा, सिंबल क्यू होगा। सिमिलरली सिमिलरली जो आपका नाइन्थ पार्ट है वो क्या होगा, वो उसको एन बोलेंगे, उसको क्या होगा, ई होगा, उसका नाम होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 131 या 132 है, 132 है, उसका नाम कैसे होगा बच्चों, उसका कंप्लीट। अनट्राइबियम यूनट्राइब एकदम सही, कंट्रीब्यूट। एकदम सही। तो आप क्या बोलोगे, एकदम सही, थैंक यू क्वेश्चन और बताने के लिए। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वन मतलब क्या, अन, थ्री मतलब क्या, ट्राई, टू मतलब क्या, बाई। तो क्या होगा, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, इलियम, एक आप इलियम टर्म यूज करो, तो क्या होगा, आई यू एम, क्या होगा, अनट्राई बायम। आपने क्या बोला था सर, सर हाँ, तो आप ये क्या होगा, इसका इसका नॉर्मल इशू होगा। उसका साइन क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे यू, क्या बोलो बच्चों, यू यू टी यू, सॉरी ये होगा यू टी होगा, यूटीबी नहीं यू टी बी, हाँ यू टी बी, ये इसका नाम होगा, ये इसका सिंबल होगा। समझिए बच्चा, डन, क्वेश्चन एनी, यूटीबी यस। ओके चलिए ये सही है। तो एक काम करते हैं, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, मान के चलो 109, इसका नाम बताओ, चलो इसका नाम बताओ, कम ऑन जल्दी, इसका नाम बताओ। आप मुझे टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो इसका आंसर, काफी सिंपल है, आप टाइप कर सकते हो। और सिंबल मुझे बताओ, सिंबल क्या होगा, तो सिंबल क्या बोलो, दो वन का तो यू होता है, तो जीरो को तो एन होता है, और नाइन का ई होता है, तो ये क्या होगा, उसका सिंबल होगा। समझ गए, उन निल इनियम, एकदम से। तो क्या होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा आपका, उन निल इनियम होगा। समझ गए बच्चा, डन। यस सर, तो आगे बढ़े, आई थिंक सबको समझ गए, सारे बच्चे समझ गए, उन निल यस इनियम। सर, अभिनव बेटा, अभिनव बेटा, अभिनव, वहां पे ना आई यू एम ऐड करना, ठीक है ना, अभिनव, अभिनव शर्मा है ना, वहां पे ना आप आई यू एम भी टाइप करना, ठीक है बच्चा। ओके आई थिंक वो समझ गया, ओके ठीक है। ओके तो ये क्या, देखो ये आपका बेसिक, आपका बाद में है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो आपका वन, उसके क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेंडलिनियम। जो 102 उसके बोलते हैं नोबेलियम, 103 को लोरेंशियम, 104 रदरफोर्ड नियम, रदरफोर्ड क्या था, 104 का टर्बनियम, 106 को सीबोर्ग नियम, 107 को भोर नियम, 108 को हैसियम, हैसियम बोल रही थी ना, हैसियम। तो बेसिकली ये इसका बाद में जो जो साइंटिस्ट रिनो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसको रखा गया। आई थिंक काफी इजी, राइट, समझ गया ना सारे बच्चे, यस डन, आगे यस बढ़े। सर, यस यस सर, सर। ओके, ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट एंड सिंबल। तो सिंबल बताना है और आपको कैसे फोर बताना है। तो आईयूपीएसी नेम क्या बच्चों, जल्दी बताओ, 120 का,
यून बाय विलियम सर बी ऑप्शन। क्या होगा 120, नाम क्या होगा इसका, इसका नाम 120 का यून बाय विलियम अन बाय विलियम है ना, ये होगा सर बच्चे। यस यस। और यू यू बाय है ना, तो बी यू का बी आता है और विलियम का क्या था एन आता ना, यस एनी होगा सर है ना, एनी होता है एन होता है और टू का बाई होता है, ये इसका सिंबल हो जाएगा। सही लिखा मैंने, एक बार चेक कर लो बच्चों क्या मैं सही लिखा। यस सर। तो क्योंकि ना जब जब इसका मैं फॉर्मेट डालता हूँ मैं भी कंफ्यूज हो, क्योंकि अन बाय विलियम ये सब काफी सेम सेम लगता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना एग्जाम ध्यान से ना। अब देखो अगेन इसका आंसर बताओ क्या बच्चों, 119 क्या होगा, 119 बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन ऑप्शन बी। अब देखो क्या ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ बच्चों क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ोगे कभी, कभी मत छोड़ना, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, आप आराम से निकलोगे ठीक है। ओके अब देखो अभी हमने क्या किया, हमने उसका एकदम से बच्चा देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे प्रॉपर्टीज के बारे में ठीक है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंट्स है उससे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, उससे ट्रेंड्स होता है ना, उससे कुछ ट्रेंड्स होगा तो हम वो ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका तीन चार चीज दिखता है आपका, एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, आयन रेडियाई बोलेंगे, या तो उसको आयन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उससे सब वो ट्रेंड होगा, हमको ट्रेंड के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में समझना है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि जो एटम के रेडियस है, जो आपका एटम का जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली बहुत छोटा पार्टिकल बहुत छोटा पार्ट होगा, तो उसको हम क्या करते हैं नॉर्मल से हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम आप यूज करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक या स्पेक्ट्रो मेथड स्पेक्ट्रोकेमिकल। म्यूट हो गए हो आप, हेलो मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो सारे बच्चे चलिए, आई थिंक मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आपको आवाज नहीं तो प्लीज बता पे क्या, मैं उसको एक बार ऑफिस प्लग को ज्वाइन करो शायद आ जाएगा ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स यूज करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं जो आपका एटॉमिक रेडियस हम फाइंड करते हैं किससे, उसको बोलते हैं एक्स आर डी, उसको एक्स आर डी बोलते हैं। तो एक्स आर डी क्या था बच्चों, हम इससे बोलते हैं क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन, एक्स रे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, समझ बच्चा डन। यस सर। तो बेसिकली होता है जो आपका एटम्स yes. जो आपका एटम्स देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं मास्टर में था तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च में हमें क्या पता है, हम नए नए एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो नया एलिमेंट्स हैं उसके रेडियस क्या आएगा, उसका लेंथ क्या होगा, हम करते हैं हम वहाँ पे एक्साइटी करते हैं। तो बेसिकली अगर आप गूगल पर जाओगे और टाइप करोगे गूगल स्कॉलर और वहाँ पे आप गूगल स्कॉलर में टाइप करना पीयूष शेट्टी करके, तो आपको ना मैं पहला रिसर्च पेपर आ जाएगा और आप है ना उस रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो कि मैंने इससे काम कैसे किया था, तो भी काफ़ी मजेदार है ये, मैंने 2021 में मैंने अपना पेपर सबमिट किया था, तो ये भी आप थोड़ा सा अगर जानना चाहते हो थोड़ा देख सकते हो ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब आप ये कब होगा, जब आप मास्टर्स करोगे जब रिसर्च करोगे तो आपको इस टेक्स्ट के बारे में ध्यान देगा और मज़ा काफ़ी आता है, ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है, समझ गए बच्चों डन। ओके बच्चों अब देखो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो जब हम क्या करते हैं जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं किस बारे में, ग्रुप्स में और पीरियड में। अब देखो ये मैं क्या कहता हूँ, मैं पीरियड को क्या करूँ, मैं लेफ्ट से हम क्या करते हैं पीरियड से होता है मतलब कि हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं, और जो आपका ग्रुप है हम क्या उसको टॉप से डाउन करते हैं, टॉप से डाउन जाते हैं या उसको बॉटम बोलते हैं। तो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता क्या बेसिकली, तब क्या होगा अब ये देखोगे, अगर आपका लेफ्ट से मतलब कि पीरियड में आपका लेफ्ट से क्या होगा, आप क्या बोलोगे आपका जो एटॉमिक है जो आपका एटॉमिक रेडियस होगा क्या होगा बच्चों, बोलो आपको पता ऑलरेडी क्या होगा, डिक्रीज होता है क्या वो आपका डिक्रीज होगा। सिमिलरली क्या होगा जब आपका क्या होगा अगर आप क्या करेंगे पीरियड के अंदर क्या करते हैं ग्रुप के अंदर क्या टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू आप क्या बोलोगे उसका एटॉमिक रेडियस होगा इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज ये भी सिंपल वर्ड, ये तो पढ़ लिया। तो अगर मैं बात करूँ ऐसा क्यों होता है तो आप ये बोलोगे जब हम पीरियड की बात करते हैं, जब हम क्या कहते हैं पीरियड की बात, क्या होगा आप क्या बोलोगे, जो पीरियड है उसमें क्या आपका सेल सेम होगा, वहां पे आपका सेल सेम होगा। लेकिन क्या होगा जैसे हम क्या करेंगे एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब क्या करेंगे लेफ्ट से लेफ्ट से, अब क्या होगा आप बोलोगे उस समय आपका एटॉमिक क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़े क्या होगा आपका प्रोटॉन्स भी क्रिएट होगा और आपका इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट होगा। आप क्या बोलोगे जैसे हम करते हैं लेफ्ट से लेफ्ट, अब क्या होगा आप बोलोगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर क्या बोलोगे उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा क्या बच्चों वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब मान के चलो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा ऑर्बिट है, ये मैंने सेल बनाया ठीक है ना, ये मैंने अगेन ये सेल बनाया, ये मेरा सेल बना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे आप जैसे मैं ये आपका एटम Z1 है, Z2 और आपका ये Z3 है, तो क्या हो रहा है बच्चों आप ये बोलोगे जैसे आपका शिफ्ट हो तो क्या होगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा क्या होगा, लेकिन सेम सेल होगा, मतलब क्या जो प्रोटोन होगा जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होगा उस पर चार्ज इंक्रीज होगा, और क्या होगा मतलब क्या वो क्या इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ पास को खींच के रखने कोशिश करेगा, तो क्या होगा आपका जो एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपको थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन सर? ओके ओके, ये कब होगा, ये आपका पीरियड में होगा, ये आपका पीरियड में होगा। लेकिन जब बात करते हैं ग्रुप के बारे में, जब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में तो क्या होगा बच्चों उसका साइज बढ़ता है ना, उसका साइज बढ़ता है, तो क्या होगा जब हम टॉप से बॉटम क्या होगा आप क्या बोलोगे, आप बोलो कि आपका जो आपका क्वांटम नंबर है, जो आपका क्वांटम क्या होगा वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या आप बोलोगे न्यू सेल एडेड, आप बोलोगे न्यू सेल इज एडेड। जैसे हम क्या रहे नीचे जाएंगे तो क्या आप बोलोगे आपका हर बार क्या आपका सेल एड हो जाएगा, तो जैसे आपका सेल एड हो जाएगा तो क्या बोलोगे साइज बढ़ता जाएगा है ना, साइज बढ़ता जाएगा, और क्या होगा जो चार्ज देखो आपके आउटपुट इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तब का 1 1 1 2 2 रहेगा, लेकिन क्या होगा आप ये बोलोगे कि साइज बढ़ रहा है हर एक सेल आ रहा है और चार्ज कर रहा है थोड़ा डिक्रीज हो जा रहा है, जो आपका चार्ज लगेगा न्यूक्लियस में और इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा ज्यादा इफेक्ट उसको बाइंग करने के, और क्या होगा आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। समझ बच्चों वाला पार्ट, डन? यस सर। बच्चा ओके यस सर, इतना हमने देखा। अब देखो बच्चों कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है उसको पढ़ बच्चा, प्लीज सौरभ प्लीज उसको पढ़िए, ये वाला पार्ट एटॉमिक रेडियस वाला पढ़िए उसको एक बार पढ़िए बच्चा। एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3d less than 4d is equal to 5d due to lanthanoid contraction, but scandium is less than f electrons absent in La. ओके समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका एक्सेप्शन की, तो ये आपका इंप्रेशन होल्ड करना। तो होता क्या है जो आपका डी ब्लॉक उसमें क्या होता है ऑब्वियस उसमें जब नीचे तो क्या आपका एटॉमिक बढ़ेगा, क्या होगा 3d से 4d में बढ़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जैसे क्या रहे ऊपर से नीचे तो क्या होगा आपका साइज बढ़ेगा, लेकिन जो 4d है और जो 5d से इसमें क्या होगा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, उस रीजन क्या बिकॉज ऑफ लेंथ, क्या बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बच्चा, डन बच्चों? यस सर। ओके, और एक फैक्टर भी आता है यहाँ पे, देखो और एक फैक्टर भी आता है यहाँ पे, आप ये बोलोगे जो आपका बॉन्ड है, अगर मैं आपको बोलता हूँ जो सीसी बॉन्ड है, मान लो सीसी बॉन्ड है और आपका सी डबल बॉन्ड सी है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, अगर मैं आपको बोलूँ इन तीनों में से आपका किसका बॉन्ड लेस या क्या बोलोगे किसका रेडियस ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे ऑब्वियसली तो जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा दूर होगा, इससे कितना होता है, इसका होता है 0.7, इसका 0.7 होता है, डबल बॉन्ड का कितना होगा आप 0.66 होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका कितना होगा, उसका होगा 0.60। मतलब क्या होगा जैसे हम क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते हैं तो क्या होगा आपका आपको जो साइज हो क्या होगा वो थोड़ा सा और पास क्या होगा पास आ जाएगा। और ये किसमें, ये आपका एंगस्ट्रॉम में, ये आपका एंगस्ट्रॉम। यस सर। समझ गए, डन, परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया। ओके ये हमने देखा। और एक बात ये है कि अगर आपका कोई आयन है,
अगर आपका कोई एटम की बात होगी, अगर वैसे बात आयन के बारे में बात करते हैं, आयन के बारे में, तो क्या होगा आप ये ध्यान रखना, आयन मतलब क्या, उसमें दो टाइप का आयन, कौन सा, एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका होगा नेगेटिव आयन, जैसे ना बच्चों, जैसे है ना, ये होगा आपका पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा आपका नेगेटिव आयन होगा, खत्म ने देखा। अब देखो मान के चलो, मान के चलो जो पेरेंट आयन है, जो पेरेंट आयन है, पेरेंट क्या पहले वाला, पहले वाला मान के चलो ऐसे लिखा एक्स, और ऐसे क्या होगा, इसको दो पार्ट बोलते हैं, कौन सा होगा एक्स प्लस होगा और आपका एक्स माइनस होगा, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो क्या होगा, आप हमेशा ध्यान रखना जो कैटायन होगा, जो आपका कैटायन होगा उसका साइज कैसा होगा बच्चों, उसका साइज ऑलवेज होगा स्मॉल, स्मॉल होगा, और जो आपका एनायन होगा, जो आपका एनायन होगा इसका कैसा होगा बच्चों, उसका होगा आपका बिगर, सब बिगर होगा, सब ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो कैसे चाहिए आपके आईएसओ, वो कैसा आपका आईएसओ इलेक्ट्रॉन स्पेस, आपके आईएसओ इलेक्ट्रॉन स्पेस होना चाहिए, सच पर बच्चों, हम कब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आईएसओ, हम पढ़ते हैं आपका आयनिक रेडिएशन में, आपका आयनिक रेडिएशन पढ़ते हैं, जब आयंस की बात करते हैं, सच पर बच्चों, डन सारे बच्चे, यस या नो, राइट हाँ देखा देख लिया। अब ये क्वेश्चन कब आया था, कल के एग्जाम आया था, कौन सा देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, राइट दिख रहा है ना, यस सर। अब देखो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, देखो जब मैं बात करता हूँ एस टू माइनस कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, मतलब बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 18 18 होगा, इसमें माइनस क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा 18 के प्लस ऑब्वियसली कितना होगा 18 होगा, एस टू प्लस क्या होगा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ बच्चों किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी में क्या ऑप्शन है, नंबर 2 नेगेटिव द लास्ट ऑप्शन, बच्चों सारे बच्चे एग्री करोगे, सारे बच्चे एग्री करोगे, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ग्रेटर देन ग्रेटर टच, आप क्या बोलोगे ग्रेटर देन ग्रेटर टच क्या होगा आपका, ज्यादा आपका साइज बड़ा, मतलब क्या ऑप्शन डी इज द राइट, मतलब क्या दृष्टि होगा इधर, तो रीजन क्या देखो, अगर मैं बात करूं सल्फर का, आप क्या बोलोगे सल्फर में एलिमेंट क्या होगा, अस्थिर होगा, आप क्या बोलोगे उसके आपका 16 प्रोटॉन है और आपका 16 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या होगा आपका 80 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बोलोगे जो आपका 16 इलेक्ट्रॉन है, जो आपका 16 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो अभी आपका, वो आपका अभी देख लिया, ये पार्ट हमने देख लिया, इसको हमने दिया, ओके तो ये ग्राफ है, इससे ग्राफ है, अब देखो ये जो आपका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है कौन सा है, ये आपका है अलोंग द पीरियड, आपका कौन सा है, ये आपका अलोंग द पीरियड है, ये आपका अलोंग द पीरियड ग्राफ है, और ये कौन सा है, ये आपका ग्रुप, मतलब ग्रुप का है, कौन सा टॉप टू डाउन पार्ट, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो बच्चों, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे तो लिथियम है, जो आपका लिथियम है उसका साइज देखो बच्चों, उसका यहाँ पे है, उसका यहाँ पे मतलब क्या 140 से 160 के बीच में, लेकिन जो बेरियम क्या है उसका, उसका यहाँ पर है, उसका इधर ये क्या आपका, ये आपका एटॉमिक रेडियस, ये आपका एटॉमिक रेडियस है, और देखो जो बोरोन इतना है, बोरोन इतना है, कार्बन का इतना है, है ना बच्चों, तो आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो जम जाते हैं पेड़ में लेफ्ट से क्या होगा आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, बच्चों क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, प्लीज सुन देखो ये जो ग्राफ है, ये लग रहा है आपका टॉप डाउन, ये आपका
टॉप टू डाउन वाला पार्ट है। तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो तो क्या होगा, देखो आप बोल सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन या फिर एटी। आप क्या बोलोगे इस समय, क्या आपका, आप बोलोगे अब क्या होगा, जैसे क्या करेंगे ऊपर से क्या आपका साइज बढ़े, क्यों देखो ये पार्ट, बिकॉज है आप क्या होगा आपका हर एक बार क्या आपका एक नया शेल क्या ऐड होता है, एक आप क्या बोलोगे ए न्यू शेल इज एडेड। समझ गया बच्चा, डन सिंपल। यस सर। ओके तो ये आपका देखो, आपका देखो देखो ये फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन है और ये आपका आयोडीन, क्या देखो सबका इसका मास, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो सीजन का इसका भी सबसे ज्यादा बड़ा है ना, तो सिंपल ये आपका हर में फॉलो हो रहा है। डन बच्चा आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके ये तो हम देखा। ओके ये पार्ट, अब देखो आइसोलेटेड स्पीशीज में देखा हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, आप बोलोगे जो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना बच्चों, यस या नो। सर। अब देखो यस ये सर। हमने देखा, और हमने क्या देखा, अगर आपका सेम इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक, क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज ग्रेटर, ग्रेटर द माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज भी आपका ज्यादा ही होगा। और क्या होगा, सिंपल सी बात है, जितना आपका ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर द पॉजिटिव क्या होगा आपका, उसका स्मॉल होगा साइज, उसका स्मॉल कैसा, लेकिन क्या होना चाहिए आपका, वो आपका आइसो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। यस सर। ओके अब देखो बच्चे, अब देखो इनमें से क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज, देखो सबसे बड़ा किसमें होगा, सबसे बताओ सबसे ज्यादा किसमें होगा, पहले बताओ। एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम। सिंपल सी बात, देखो जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, है ना, तो क्या होगा आपका मैग्नीशियम पहले आएगा और आपका एल्यूमिनियम बाद में आएगा, है बच्चों, है कि नहीं। यस सर। तो अब देखो ये आपका सिंपल में आता, देखो ये आपका सिंपल में आ रहा है ना बच्चों, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा। यस सर। अब अगर आपका ऐसे जा रहा है तो क्या बोलोगे, किसके साथ बड़ा होगा, मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम के, बच्चों किसके बड़ा होगा, मैग्नीशियम। हेलो बच्चों किसके ज्यादा होगा, मैग्नीशियम। होगा। अब देखो हमने क्या बता दिया, सबसे बड़ा साइज के बारे में बता दिया। अब देखो सबसे छोटा साइज क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो आपका राइट साइड में आ रहा है वो आपका छोटा वैल्यू होगा, और जिसका आपका ज्यादा क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, तो क्या बोलोगे आपका जो एल्यूमिनियम है, जो आपका एल्यूमिनियम थ्री पीस कैसा होगा, उसका आपका स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर साइज होगा। समझ गए बच्चा, डन। अरे बच्चे यस। कोई दिक्कत यहाँ पर, हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत, सर। चले नो सर। अब देखो ये पार्ट, देखो ये अगेन क्वेश्चन पूछा आपके बारे में 2019 के आप पेपर पूछा है, कौन सा 8 अप्रैल वाला, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे निपुण बेटा, निपुण बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, निपुण बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, निपुण बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। अच्छा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा प्लीज, हैंड रेज करिए बच्चा, क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, आप पढ़िए पढ़िए बच्चा पढ़िए। ओके आई थिंक आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कौन पढ़ेगा, तनिषा पढ़ोगे आप, तनिषा कौन पढ़ेगा। यस सर। ओके हाँ प्लीज क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वी आर नेगेटिव ए आर आर्गन एंड सी ए टू पॉजिटिव इज अफेक्टेड बाय। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो अब क्या आंसर है बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंशियल न्यूक्लियर चार्ज। ओके तो क्या आंसर है बच्चों, आंसर आएगा। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, एक आपका सीएल माइनस बोल दिया, एक आपका आयरन बोल दिया, एक आपका सीएल टू प्लस बोल दिया, ये बोलो ठीक है ना।
अब देखो क्या बोला आपको, इसका एटॉमिक कितना है 18 है, इसका भी 18 है और आपका इसका भी 18 है ना बच्चों, यस नो, यस नो। तो आप क्या बोलोगे जो आप क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन में क्या होगा आप बोलोगे, आप ये बोलोगे इनिशियल क्लोरीन में कितना होगा, अगर आपका सीएल कितना बोलोगे आप बोलोगे उसमें 17 प्रोटोन है और आपका 17 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा माइनस हो गया तो मतलब क्या, आप बोलोगे आपका जो आपका 18 हो गया, आप क्या बोलोगे जो आपका 17 प्रोटोन है वो कह रहा भी 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, क्या होगा होल्ड नहीं कर पाएगा, क्या साइज बढ़ जाएगा, तो क्या होगा सबसे क्लोरीन होगा फिर आपका इसका होगा राइट ये होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एकदम से, क्या होगा बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझ गए। अगेन बच्चों क्या क्वेश्चन हार्ड था, क्या क्वेश्चन हार्ड था, नो सर। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अगेन मैं आपको बार बार वही चीज आपको आई थिंक बोर कर दूंगा बोल बोल के, देखो मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो आपका एंट्रेंस के काम में है और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों, हम पूरा डिप नहीं जाने वाले, लगता है कि डिप जाना चाहिए तब जब डिप में जाएंगे, डन बच्चा सही है, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक कौन सा है, आगे हमारा टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन, कौन सा एंथैल्पी, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब देखो है क्या बेसिकली, ये जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो आपका हीट, वो आपका हीट के बारे में थोड़ा बताता हूँ, अब वो क्या बताता हूँ बताता हूँ, बेसिकली होता क्या है अगर आपका कोई एलिमेंट है, हम क्या करते हैं मान के चलो आपका एलिमेंट कैसा, वो आपका सॉलिड स्टेट में, वो आपका पहले सॉलिड स्टेट में, तो आयोनाइजेशन मतलब क्या लिखा है देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउट रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस न्यूट्रल स्टेट, तो क्या करेंगे जो भी आपका एलिमेंट हो क्या करेंगे उसको सॉलिड स्टेट करेंगे सबसे, उसको गैस में हम उसको पहले गैस में टर्न करेंगे, फिर उसमें हम हीट हम उसमें हीट को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा तब क्या होगा आपका वो जो एलिमेंट है जो गैस में वो आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या होगा आपका आपका पॉजिटिव होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, क्या होगा बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, यस सर। अब देखो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूसली मतलब जो आउटरमोस्ट जो लूसली है लूसली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड किसमें होगा आपका चेंज होगा वो आपका गैसेस क्या होगा वो आपका गैसेस कैटायन में चेंज क्या होगा आपका कैटायन में चेंज होगा हम उसी बोलेंगे उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, सच बड़ा बच्चों वाला पार्ट समझ गए, ये डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में आपका सॉरी जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में आपका ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना मत भूलना, अगर आप इसको नहीं लिखो तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ना आइसोलेटेड गैसेस एटम लिखना है, सच पढ़ बच्चों, यस यस सर, ओके समझ गए बच्चों ये पार्ट डन, यस सर। अब देखो यस सर, अब इससे कुछ ऑड होता है तो होता क्या बेसिकली होता क्या है, आप ये बोलोगे जो आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा ऑलवेज कम होगा, तो जैसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन देते और थर्ड के बाद तो क्या होगा आप क्या बोलोगे जो आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ओके उसके बाद आपका किस होगा उसका बस सेकंड वाला पार्ट होगा फिर आपका फर्स्ट वाला होगा, मतलब क्या जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा वो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका क्या होगा उसको और एनर्जी देना पड़ेगा थर्ड को और एनर्जी दे, ऐसा क्यों होता है हम आगे देखते हैं, हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों डन इधर समझ गए, यस सर, यस सर। तो आप ना आप इस वाले पार्ट पे आप इस वाले पार्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है सारे बच्चे समझ गए डन, यस सर, यस सर, ओके बच्चों ठीक। अब इस वाले दो के लिखा है पे इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये आपका ये दिखाता है इसको, ठीक है आगे बढ़ते हैं,
ओके देखो ये वाला पार्ट देखो, ओके ये आप नाम समझते हैं, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, वो आपका डिक्रीज होगा एज एटॉमिक साइज, एज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज से बच्चों वो जैसा वो जैसा इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा आपका आयोनाइजेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, मतलब क्या आपका साइज बड़ा है, आपका क्या साइज बड़ा है तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच बॉन्ड कम होगा, उनके बीच में बॉन्ड कम होगा, आप क्या करोगे, आप अगर थोड़ा सा एनर्जी दो तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, समझ गया बच्चा, डन, यस सर, ओके। अब देखो बच्चों जो पीरियड है, जब बात करते हैं पीरियड्स के बारे में, जब बात करते हैं पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे जो पीरियड्स में क्या होगा, आप बोलोगे जब हम क्या करेंगे लेफ्ट से, जब हम लेफ्ट से राइट से तो क्या होगा, आप बोलोगे जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जब क्या करेंगे, जब हम टॉप से डाउन, जब क्या करेंगे ये आपका ग्रुप, ये आपका ग्रुप की तरफ, तो ग्रुप हम क्या करेंगे टॉप से क्या जाएंगे डाउन जाएंगे, तो क्या होगा आप बोलोगे जो आपकी आयनाइजेशन क्या होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, अब ये पार्ट ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, जैसे अगर मैं बात करूँ जो राइट साइड में, मान के चलो राइट साइड में एक एलिमेंट में आपका एग्जाम होता है फ्लोरीन, कौन सा है फ्लोरीन, तो बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 1s2 2s2, बोलो बच्चों क्या होगा 1s2 2s2 क्या होगा, बोलो बच्चों फ्लोरीन का 2p5, हां तो क्या होगा आपका 2p, ये आपका 2p5 होगा। अब देखो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या आपका फ्लोरीन से आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा, अगर वो क्या करे वो अगर आपका वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्या होगा वो आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम किस बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करें, अगर आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या वो आपका स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, आपको इस कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ऑब्वियसली आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ऑब्वियसली ना, क्योंकि उसको वो छोड़ना चाहता नहीं है, वो तो लेना चाहता है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका जो आपका आयनाइजेशन क्या होगा वो क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, समझ में अच्छा ये पार्ट, डन, कोई दिक्कत, यस सर, सारे बच्चे यस नो, यस सर, यस सर, ओके, गीतांश समझ में आ रहा है, गीतांश समझ में आ रहा है, ओके अब देखो ये जो पार्ट है, अच्छा बताओ बच्चों ये जो ग्राफ है ये किसके बारे में दिया बताओ, ये बताओ ये जो ग्राफ है ये किसके बारे में दिया पहले वो बताओ, ये आपका पीरियड का है ग्रुप का है, टॉप टू बॉटम ग्रुप, ग्रुप टू बॉटम ग्रुप, ये आपका ग्रुप का है, ये आपका ग्रुप के बारे में दिया गया है। अब क्या होगा देखो जैसे भी करते हैं डेल्टा आपका आप क्या बोलोगे आपका जो क्या होगा आपका जो ये देखो ये जो आपका डेल्टा क्या होगा जो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा इसलिए। अब देखो ये किसका होगा ये आपका होगा इसके बारे में ये होगा आपका किसके बारे में ये आपका होगा दैट इज पीरियड के बारे में ये आपका पीरियड का वाला पार्ट ठीक है समझ गए यस सर यस सर। लेकिन देखो कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अब देखो गड़बड़ यहाँ पे देखो जो देखो ये बेरिलियम वाला पार्ट बेरिलियम बोरोन वाला पार्ट और आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना ये क्या आपका एक्सेप्शन केस है समझ पड़ा बच्चों पार्ट समझे कैसा होगा ये वाला पार्ट। अब देखो हमने क्या देखा जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से क्या आपका आपका जो आयनाइजेशन क्या इंक्रीज होना चाहिए लेकिन क्या आप देखोगे बेरिलियम का क्या है ज्यादा है और बोरोन कम है ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे देखो अगर आपको ये बोलता हूँ अगर मैं आप यहाँ लेता हूँ यहाँ पे यहाँ देखो अगर मैं ये बोलता हूँ एक बोरोन है एक आपका बेरिलियम है
अब देखो बच्चों, जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या बच्चों, आप बोलोगे फोर, क्या बोलो फोर बोलोगे, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आप बोलोगे 1s2 2s2 होगा बच्चों, यस या नो? यस सर। यस। और देखो जो बोरॉन है उसका क्या होगा, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p1 होगा। यस सर। अब मुझे बताओ बच्चों, किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा? देखो ये स्टेबल है, ये आपका ज्यादा स्टेबल है। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे वो आपका स्टेबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली जो बेरिलियम क्या होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, जो आयरन से निकलता है उसका ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा इससे कम होगा इसका, क्यों? अब वो पी में है ना, ये आपका टूपी में, आपका पी में एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा इसमें अगर आप थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या होगा इसका कम होगा। समझ गया वाला पार्ट? डन। यस सर। अच्छा कौन समझ गया प्लीज मुझे बता पाएंगे इससे रीजन क्या करते हैं? तो गीतांश आप बता पाओगे मुझे आपने क्या समझा अभी? सर जिसकी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। एकदम से बोला। देखो सिंबल अगर इसके बारे में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो क्या होगा आप बोलो जो तीन ऑर्बिटल, तो क्या होगा आप ऐसा बनाओगे 1 2 3, तो क्या ये आपका सिंगल फील्ड, क्या ये आपका ज्यादा स्टेबल है, ये आपका ज्यादा स्टेबल है, ये आपका ज्यादा स्टेबल, तो क्या होगा इसका ज्यादा होगा इससे कम होगा। समझ गया बच्चा? डन। यस सर। इससे कैसे होगा इसका, yes, कैसे होगा 1 2 3 है ना आपका 4, तो क्या होगा अगर हम क्या करते हैं इस सेट में करते हैं तो क्या होगा, तो ये जल्द स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा आपका जो ऑक्सीजन उसका उसका जो आयन चेंज क्या होगा उसका कम होगा, तो क्या होगा उसका कम होगा, और जिससे इससे कैसे होगा इसका आयन चेंज ज्यादा होगा। समझ गए सारे बच्चे? डन। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके ओके। नो सर। ओके बच्चों, तो यस आज के इतना काफी काफी है, एंड यस ये जो पॉइंट है इसको आप ना नोट डाउन करना, क्योंकि काम पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और आप है ना प्रॉपरली पढ़िए। देखो अगेन बोल रहे बच्चों, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपका एंट्रेंस पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, ठीक है? चलो सी या, बाय। हेलो, बाय बाय। कुछ कहा? बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। अरे यार, बाय सर।